अभी बज रहा है 6 और ये लोग सब सोए हुए, सिर्फ मैं उठी हूँ। प्लानिंग था कि हम लोग 5 बजे उठ के हम लोग जाएंगे मंदिर, नहाएंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे, लेकिन सब लोग अभी तक सोए हुए। एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, इसलिए किसी का नींद नहीं खुला है। और रूम भी काफ़ी अच्छा है, कूलर वगैरह लगा है तो बहुत ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा था, और बिल्कुल घर वाला फीलिंग है तो बहुत रिलैक्स भी फील हो रहा है। मंदिर जाएंगे और देखते हैं आगे का क्या प्लानिंग होता है। जैसे जो भी हो आप लोग आगे के ब्लॉग में देखिएगा। उसको भी उठाओ, चलो जल्दी, फिर लेट हो जाएगा, फिर मंदिर में ऑलरेडी लाइन लग रहा है बहुत लंबा। इन लोग को इतना उठाने के बाद अभी उठी है तो हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है, 7 बज गया है। चाय पिएगी चुलबुल? नहीं पी लो, मंदिर के दर्शन के बाद। ऑटो हम लोग ले लिए हैं, अब जा रहे हैं घाट से, देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगेगा। उसके बाद और बहुत सारा मंदिर है, उसका भी दर्शन करना है। तो अभी तो नहाने में ही टाइम लगेगा, मेन मंदिर में लाइन भी लगता है, सावन का टाइम है, पता नहीं कितना भीड़ होगा। मतलब नॉर्मल दिन में छोटू बोल रहा है कि आधा घंटा में आदमी दर्शन कर लेता है, लेकिन अभी तो भीड़ होगा ही क्योंकि मेन सावन चल रहा है। यहाँ पे हम लोग को ऑटो यहीं तक रोक देती है, अब यहाँ से आगे जाएंगे तो घाट का रास्ता। हम और चुलबुल का टी शर्ट तो कल मिल गया था, अभी तो दे रहा है ये ऑरेंज कलर मिल गया। देखो अभी हम लोग जा रहे हैं, सब वापस आ रहे हैं ना, तो आके मंदिर का दर्शन करते हैं क्या। अच्छा भीड़ कम रह रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ता है, कोई बात नहीं, इतना आदमी टाइम नहीं देगा भगवान को तो क्या ही देगा। यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है, अभी तो घाट पर कितना भीड़ होगा पता नहीं। हम लोग ना बाहर वहाँ रूम वूम लिए, रहता है ना आता, देखो ब्रश भी मिलता है। हाँ क्या लाए हैं? हाँ जींस लाए हैं, तो बैग में रख दिए थे, निकाले नहीं हैं। हम खतरा से आए हैं, कृपया आपकी मम्मी किरण सिंह बगल में निकल गई तो पानी आ गई है, कहीं कम कहीं ज्यादा पानी है, फिर भी अंदाज नहीं मिल पाएगा। पानी बहुत ठंडा ठंडा है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है नहाने में। बाकी तो अभी नहाएंगे, उसके बाद मंदिर चलेंगे, और भीड़ तो पूछिए मत कितना, पानी पूरा भरा हुआ। पहले ये पूरा सीढ़ी दिख रहा था, ऐसा छोटू आया तो छोटू बोल रहा था, लेकिन अभी पूरा पानी भरा हुआ है। हम लोग बिल्कुल नहा धोआ के रेडी हो गए हैं, और ये देखिए हम लोग का सेम टी शर्ट है, और ये गंगा जल लिए हैं, एक मेरा भी है छोटू के हाथ में। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर मंदिर में, और मंदिर में कुछ भी ले जाना मना है, कैमरा फोन बैग्स वगैरह तो सारे यहाँ पे लॉकर बहुत सारे बने हुए हैं, तो सब उसमें जमा करना पड़ता है। तो अभी हम लोग लॉकर में अपना बैग कैमरा सब रख देते हैं, उसके बाद फिर मंदिर का दर्शन करने चलेंगे। ये गली गली से हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग 2 नंबर गेट से जा रहे हैं, यहाँ मंदिर का रास्ता यही है। जी चक्कर में मत पड़िए भैया, हमारे पास मोबाइल खाली पड़ा है कि मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। यहाँ सब लॉकर में जमा करना है, अपना अपना मोबाइल लॉकर में दे दीजिए, मोबाइल भी नहीं लेके जा सकते ना, कुछ नहीं है, जूता निकलिए, मेरा जूता तो बैग में है।
बैग में से पैसा मोबाइल जो भी कीमती सामान निकाल लीजिएगा। यहाँ पे ढेर सारे लॉकर बने हुए हैं, अब यहाँ से हम लोग का कैमरा फोन सब हम लोग का जमा हो जाएगा। यहाँ से लंबी लाइन लगी दर्शन तो हो गया है भगवान जी का, कैसा लग रहा है दर्शन करके? और इतनी लंबी लाइन थी कि पूछो मत, 3 घंटे हम लोग लाइन में लगे हैं तब जाके दर्शन हुआ है, बट दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मणिकर्णिका घाट। अंदर तो बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं था, इसी लाइन से लगते हुए हम लोग आगे उधर मंदिर पे निकले हैं। मतलब कितना भी थकान हो जाए लेकिन मंदिर के पास लगेगा ना तो आपका, मतलब अभी मेरे शरीर में एक पेन नहीं हो रहा है, बट लाइन लगी थी ना तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, चक्कर आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और जैसे ही आप दर्शन करके निकलोगे यहाँ पे देखिए सामने फूड कोर्ट है, आप आराम से खा सकते हो। और उधर उस साइड है घाट, मणिकर्णिका घाट, तो अभी हम लोग चल के वहाँ देखते हैं मणिकर्णिका घाट। ये है बनारस की पतली पतली गलियाँ, कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं चल रहा है, और कहीं से भी जाइए आप निकलिएगा घाट पे ही। तो ये है मणिकर्णिका घाट, मोबाइल छोड़ के चले, यहाँ पे जिंदगी के सच्चाई से इंसान रूबरू होता है। यहाँ पे आके आदमी को पता चलता है कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन की सच्चाई एक ही है, इसलिए ज़्यादा घमंड, ज़्यादा पैसे का घमंड ना कीजिए, यहाँ पे आके सबको एक दिन यहीं पे राख हो जाना है। इतना आदमी होने के बावजूद भी यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है। देखो ना इसमें कितना छोटा छोटा मछली है ना, ये पाला हुआ मछली है छोटू, बहुत छोटा छोटा है। ये वाला रिक्शा पे तुम कितने दिन बाद बैठी हो, मतलब ये रिक्शा पे तो बहुत बहुत साल बाद बैठे और हमको ये रिक्शा बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ भी है कचौड़ी गली, क्या कचौड़ी गली, हाँ यहाँ कहाँ लिखा है, हाँ कचौड़ी गली सिटी में भी है। चलो पीना है ना, तुम क्या पिएगा, तुम चुलबुल लस्सी। गर्मी से हो गया हालत खराब, सबसे पहले तो हम लोग लस्सी पिएंगे, यहीं पे कल भी हम लोग लस्सी पिए थे, काफी अच्छा देते हैं ये लस्सी। ये आ गई हमारी लस्सी, पियो, एक आर आ रहा है तुम्हारा, अच्छा है। अभी हम लोग आए हैं बनारस का सबसे फेमस चाट हाउस, काफी चाट हाउस, तो देखते हैं यहाँ का चाट कितना टेस्टी है, बहुत ज्यादा इसका नाम सुने हैं। तो अभी हम लोग खाएंगे चाट, ये साफ नहीं है, मत बैठो ना, साफ करेगा, पीछे साफ है, अच्छा पंखा की वजह से बैठा है, ऐसे ठंड से नहीं उधर बैठते हैं। यहाँ पे ढेर सारा चाट का वैरायटी है, इवन पानी पूरी, दही पूरी, आलू टिक्की चाट, टमाटर चाट मैंने पहली बार सुना है, चूरा मटर, बहुत सारा वैरायटी है। पापड़ी चाट, तुम टिक्की, समोसा, हम टिक्की लेंगे। यहाँ का सबसे अच्छा चाट कौन सा है, नवादा चाट, टमाटर चाट, हाँ ये पहली बार सुने भी है। चाट था, एक और टमाटर चाट भी था ना, पापड़ी चाट, ये समोसा चाट है, प्लेन समोसा, टमाटर आ रहा है। इसको लग रहा है बेचारी का चाट कम है इसलिए इसको टेंशन हो रहा है, तो कुछ नहीं खाओ, पेट नहीं बढ़ेगा तो दोबारा आ जाएगा, कुछ नहीं काफी भी नहीं। तुमको सबसे अच्छा चाट कौन सा लगा, इसको तो चाटे का टेंशन है, पापड़ी नहीं डाला तो प्याज नहीं डाला, यहाँ बिना प्याज का चाट मिलता है। अभी बज रहा है 4:30 और 7 बजे से यहाँ आरती होती है, लोग अभी आरती के लिए बैठे हुए, तब तक हम सोच रहे हैं कि नौका की सवारी करके वापस आ जाए।
चलना है ना, आखिरी राउंड जा रहा है, जिसको करना है आओ। चलो पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस वजह से बहुत सारा घाट तो नजर ही नहीं आया, सब डूबा हुआ है। और अभी हम लोग आरती देखेंगे, सही टाइम पे आ भी गए, अभी आने के बाद भी अभी एक घंटा टाइम है आरती। बहुत डेंजर तरीके से लोग जा रहे हैं, अगर बीच से टूटा तो सीधे पानी में। देखो देखो इसको कितना डर लग रहा है। अच्छा वो हम लोग नाव की सवारी कर ली, अब नाव की सवारी नहीं होगा, 5 बजे के बाद नौका की सवारी बंद करने को बोल रहे हैं, क्योंकि पानी का असर बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। बोल तो रहे जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं, कल बाहर तक पानी आ जाएगा। बस कुछ ही देर में आरती स्टार्ट हो जाएगी, जब तक सूर्य भगवान रहते हैं तब तक आरती स्टार्ट नहीं होता, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा सूर्य भगवान दिख रहे हैं, बस उनके अस्त होने का वेट हो रहा है, उसके बाद आरती स्टार्ट होगी। आरती देखने के लिए इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, हम लोग को कैसे भी यहाँ पे स्पेस मिल गया है। सब नौके पे बैठ के आरती का आनंद ले रहे हैं, उसके लिए टिकट लग रहा है 200 रुपया, लेकिन हम लोग अपना 200 रुपया बचाते हुए अच्छा सा स्पेस ढूंढ लिए, ताकि यहाँ से आरती काफी अच्छे से दिखे। देवी तुरे करे भगवती।